नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। विश्व एड्स दिवस पर डॉक्टरों ने किया नुक्कड़ नाटक, निकाली रैली, कई जगह आयोजित हुई जन जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को समझाया एड्स छूने से नहीं फैलता है, बचाव और निदान की दी जानकारी। विश्व एड्स दिवस पर डॉक्टरों ने किया नुक्कड़ नाटक, निकाली रैली, कई जगह आयोजित हुए जन जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को समझाया एड्स छूने से नहीं फैलता, बचाव और निदान की दी जानकारी। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसके चलते रीवा में भी आयोजित हुए कई जन जागरूकता कार्यक्रम, निकाली गई रैली, लोगों को दी गई समझाइश, कहीं खेला गया नुक्कड़ नाटक, एड्स से बचाव के तरीके बताए गए, एड्स के प्रति लोगों में जन जागरूकता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आज देश में एड्स के रोगियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। लगातार इससे बचाव के लिए समझाइश का दौर जारी है। फिर भी रीवा जिले में करीब 5,000 की संख्या में HIV संक्रमित लोग अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें जिले के ART सेंटर से दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनका ध्यान रखा जा रहा है। कई बार HIV पीड़ित की संतानें भी प्रभावित हो जाती हैं। रीवा में कई ऐसे मामले आए हैं जिन्हें बच्चों में संक्रमण फैलने में कोई गलती नहीं थी, बच्चों ने संक्रमण नहीं फैलाया था, माँ बाप की कामों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ी। माँ बाप पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से बच्चे भी पॉजिटिव हो गए। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस बार भी शहर में कई जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में संजय गांधी अस्पताल में एक रैली निकाली गई। आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टरों ने रीवा के सर्वाधिक भीड़ वाले सिरमौर चौराहे पहुंचकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को एड्स को लेकर जागरूक किया। उन्होंने शानदार तरीके से नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया, मैसेज दिया, एड्स से बचाव के तरीके भी लोगों को समझाए। जगह जगह जिस तरीके से एड्स को लेकर मुहिम चलाई गई, माना जा सकता है रीवा शहर में इस तरीके का एक काबिले तारीफ कार्यक्रम हुआ, जिसमें तमाम लोगों ने शहर में रैली निकाली, नुक्कड़ नाटक किया, लोगों को समझाया एड्स किस तरीके से फैलता है, इसके बचाव की क्या सावधानियां। हमने कुछ डॉक्टरों से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। विश्व एड्स दिवस पर हम सभी लोग को जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। किस तरीके का नाटक है, किस तरीके का आप अवेयरनेस फैला रहे हैं? विश्व एड्स दिवस पर जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उनको मिटाने के लिए हम लोग एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मैं सोनाली सचान, BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आपने नाटक किया, काफी लोगों ने नाटक देखा, उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य ये था कि आज के समाज में जैसे एड्स व्यक्ति के साथ जिस तरह व्यवहार किया जाता है, उसको बैठने नहीं दिया जाता है, अपने साथ रहने नहीं दिया जाता है, समाज से बहिष्कृत किया जाता है, वो एक हम उसकी जो मेंटेलिटी वो बदलना चाहते हैं, वो भी एक इंसान है, उसको भी एक समाज में जीने का हक है, वो भी हमको उसको बराबरी से ट्रीट करना चाहिए, ये नहीं कि हम उसे अलग रहें। ये हाथ मिलाने से, साथ में खाने से नहीं फैलता है, इसके कारण है ये इंजेक्टेबल से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, इस्तेमाल की गई हुई सुई से कई बार, और असुरक्षित यौन संबंध से, और गर्भवती महिला से उसके बच्चे पर ऐसे फैलता है, ये हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। तो इसको जागरूक करने के लिए हम लोगों को यहाँ पास समझाने आए थे कि एड्स, ये आप जो टीम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आयुर्वेदिक कॉलेज की टीम है, ये रीवा शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके सिरमौर चौराहे में मौजूद थी एड्स दिवस के दिन। इनका साफ तौर पे कह रहा था एड्स को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई, ऐसा कुछ नहीं है, आप उनके साथ सामान्य आदमी की तरह व्यवहार करें, यह भी एक बीमारी है, ये किसी भी तरीके से छुआछूत से नहीं फैलती। आज इन्होंने नाटक करके इस तरीके का एक संदेश दिया है। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।